हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई बी शिमला। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो हमीरपुर बोर्ड है, उन्होंने वेरियस जो हमारे पेपर्स निकाले थे उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो उसमें हमारा कंप्यूटर का एग्ज़ाम, मतलब GYT का पेपर भी कंडक्ट करवा रहा है उन्होंने, जिनमें हमारी नियरली 197-198 पोस्टें हैं। ठीक है, ये बात तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हमारा GYT के पेपर्स में, वेदर ये वाला पेपर जो आगे आएगा GYT का पेपर, उनमें जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो कितना रहता है, कंप्यूटर के जो सब सेक्शन हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो आपसे बेसिक पूछा जाता है कंप्यूटर के बारे में, वेदर इट इज़ आपकी जनरेशन, कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आपका लॉन्च हुआ, कौन सी IP चिप लॉन्च हुई, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में आती हैं। अब इसकी बात करी जाए तो हमारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे 10 से 11 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे चला जाए तो हमारे पास क्या है, आगे MS Word, MS Excel, PowerPoint और MS Access। आप सभी को पता है ये हमारा क्या है, ये हमारा MS Office का पार्ट है। MS Office को हमारा बोला जाता है एप्लीकेशन सूट सॉफ्टवेयर, इसी वजह से, क्योंकि एप्लीकेशन सूट सॉफ्टवेयर का मतलब, सूट से आप ये चीज समझो, जो सूट है हमारा मतलब सूट केस, एक ही चीज के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही है, हमें कोई अलग से कुछ चीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो देखा जाए MS Word वाला जो सेक्शन है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए अपने, बाकी बहुत सारी चीजें इसमें करी जाती हैं। ठीक है, अब इसमें से अगर क्वेश्चंस की बात करी जाए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो हमारे रहते हैं 15 से 16 क्वेश्चंस। इसके बाद आता है MS Excel। Excel मतलब जो भी आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप करोगे जिसमें नंबर्स का यूज़ करा जाएगा, वो हमारी किस में आती हैं, MS Excel में आती हैं। वहाँ से अगर देखा जाए तो जो हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं वो हमारे 15 से 16 यहाँ पे भी रहते हैं। अब इसके बाद देखा जाए पावर पॉइंट, जिसमें हम प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशन, वेदर इट इज एनिमेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, पावर पॉइंट वाले सेक्शन में आती हैं। अगर इनकी बात करी जाए तो हमारे नियरली 1 से 10 क्वेश्चन हमारे पावर पॉइंट से भी पूछे जाते हैं। अब देखा जाए MS Access मतलब जो भी हमारा डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम होगा, डेटाबेस रिलेटेड, और अगर MS Access की बात करी जाए, यहाँ पे हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए MS Access का सेक्शन, तो यहाँ से हमारी नियरली 2 से 3 क्वेश्चंस हमारे हर बार जो भी GYT के पेपर हो रहे हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा देखा जाए MS Paint से नियरली हमारा एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो, एवरेज लेके चलें तो आप 2 या 3 एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट नियरली अब तक जहाँ तक देखा गया है हमारा एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। इसके बाद हमारा आता है नेटवर्क IP एड्रेस। अगर नेटवर्क IP एड्रेस की बात करी जाए तो थोड़े दिन पहला हमारा एक GYT का पेपर हुआ था, वहाँ पे भी हमारा यहाँ से क्वेश्चन फंस गया था। वहाँ यहाँ पे हमारा पूछा गया था जो आपका डिफॉल्ट रूटर IP एड्रेस होता है वो कितना होता है, तो ये हमारे पास था 192.168.0.1, ये हमारा होता है डिफॉल्ट रूटर IP एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब इस चीज़ का तो आप लोगों को पता ही होगा, 2nd-3rd क्लास में ये वाली चीज़ें स्टार्ट होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जो भी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस आते हैं, तो यहाँ से भी कई बार 4 क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं, 4 से 5 का यहाँ पे भी एवरेज हमारे पास रहता है। इसके बाद अगर बात करी जाए कलर मॉडल, जो हमारा यहाँ पे कलर मॉडल वाला टॉपिक है, ये पूरा का पूरा एक हिसाब से हमारा होता है थियोरेटिकल टॉपिक, यहाँ से थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कलर मॉडल हमारे होते हैं, मान लीजिए RGB हो गया, ठीक है, CMYK हो गया, यहाँ पे RGB में R हमारा स्टैंड करता है रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू, इनके कॉम्बिनेशन से आगे जो हमारे कलर बनेंगे वो सारी चीज़ें हमारे कलर मॉडल में इंक्लूडेड होती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए सी लैंग्वेज में भी हमारे क्या है, सी लैंग्वेज का जो बेसिक है, बेसिक जो इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, यहाँ से भी हमारे 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आगे चला जाए, आगे हमारे पास है ईमेल एंड ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर। अब इस चीज़ का भी लगभग सभी को पता होता है, ईमेल, जो भी हमारे पास ईमेल्स हैं, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर हैं, उनसे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे हमारे इस टॉपिक में कवर होंगे। अगर देखा जाए यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे रहते हैं 1 से 2,
एवरेज आप लेके चलते हो, दो या तीन क्वेश्चन थे हमारे ईमेल एंड ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर से पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लाइंट डेटा रिप्रेजेंटेशन बाइनरी या हेक्सा। अब देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत आईटी से रिलेटेड नॉलेज होगा तो हमारी जो डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है कंप्यूटर में वो हमारा जाता है बाइनरी या हेक्साडेसिमल नंबर में। सीधी सी बात है, हमारा बिट्स के थ्रू 0 1 ऑन ऑफ, बस ऐसे ही हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है इन केस ऑफ हमारा कंप्यूटर की बात करी जाए। अब अगर देखा जाए इससे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज तक, जो पहले पेपर हुए उनको एनालाइज करके देखा जाए तो नियरली 3 से 4 क्वेश्चन हमारे डेटा रिप्रेजेंटेशन बाइनरी हेक्सा एक्सेट्रा इन सभी से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गेट्स का। देखो, गेट्स हमारा नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक माना जाता है, लेकिन कंप्यूटर में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप सभी ने देखा होगा एंड गेट, ओर गेट, नोर गेट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे गेट्स होते हैं। अब एंड गेट की बात करी जाए, अगर इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करा जाए तो हमारा इस हिसाब से कुछ एंड गेट बनता है, ठीक है, इस हिसाब से हमारा ओर गेट बनता है। अगर नोर की बात करी जाए तो नोर में हमारा क्या होगा, यहां पे ऐसे, ये हमारा नोर गेट होता है। अब इनमें क्या होता है, हमारी यहां से बिट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जाएगी। जैसे मान लीजिए एंड की बात करी जाए, एंड में जब ए बी और इसमें जो आउटपुट आएगी यहां पे, अगर देखा जाए ए बी, अगर यहां पे हमने 0 1 दिया तो जो इसकी आउटपुट आएगी वो हमारी 0 ही आएगी, मतलब ऑफ में ही आएगी, ऑन और ऑफ मतलब 0 मतलब ऑफ में ही आएगी। अगर 1 1 में हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है थ्रू ए और बी तो जो हमारी जो आउटपुट आएगी वो आती है हमारी 1, ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को। अब देखा जाए तो यहां से जो हमारा गेट से क्वेश्चंस हैं, गेट से हमारे नियरली 1 या 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज भी इसमें कवर होती है। इसके बाद HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो भी वेब पेज है, जो भी उसके पीछे जो भी कोडिंग हो रही है, उसकी नॉर्मल कोडिंग जो लिंकिंग बन रही है, HTML हो गया, CSS हो गया, सारी की सारी चीजें HTML में कवर होती हैं। अगर HTML की बात करी जाए तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे रहते हैं 7 से 8, 7 से 8 क्वेश्चन हमारे पूछे जा ही रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा DBMS, DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब DBMS की बात करी जाए, अब मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हो, अब इसमें जो डेटा स्टोर, कहीं ना कहीं जो आप स्टोर कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होगी, वो हमारी कहीं ना कहीं जाके जो स्टोर होगी उसी को बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जो भी डेटा स्टोर है उसको मैनेज करना, ये है हमारा क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये वाला टॉपिक भी हमारा JIT में आजकल पूछा जा रहा है। अगर इसकी बात करी जाए तो इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं वो हमारे 5 से 6 रहते हैं। आगे चला जाए, अब हमारे पास है कंप्यूटर मेमोरी, और ये हमारा किसका है, कंप्यूटर के जो बेसिक्स है वहां से टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, जो भी चीजें हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हमारी आती हैं। अब यहां से देखा जाए तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे आज तक पूछे जा चुके हैं वो हमारे 5 से 6 रहते हैं, ठीक है, एवरेजली 5 से 6 क्वेश्चन हमारे इस वाले टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, इसी के अंदर हमारा नेटवर्किंग भी इंक्लूड हो जाता है, नेटवर्किंग वाला टॉपिक भी हमारा इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब इंटरनेट एंड सर्विसेज, इंटरनेट जैसे हम नॉर्मली कोई भी चीज कर रहे हैं, इंटरनेट जैसे वेब ब्राउजिंग ही कर रहे हैं नॉर्मली, अगर हम गाना भी सुन रहे हैं तो वो क्या है, हमारी इसकी सर्विस है, मतलब इंटरनेट के थ्रू हमारी जो सर्विस हमें मिल रही है। इंटरनेट मतलब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड हैं, इनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांसफर हो रही है। अब कहीं ना कहीं जो आपका देखो गाना सुनते हो कहीं ना कहीं वो स्टोर होगा एक जगह, मतलब उसका डेटाबेस कहीं ना कहीं बना हुआ है, यहां से यहां तक जो चीज पहुंच रही है आपको वो क्या है, नेटवर्किंग के थ्रू जो पहुंच रही है उसको बोला जाता है इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आजकल पूछा जा रहा है वो है हमारे पास क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए आप यूज करें, जैसे करंटली मैं देखूं तो मैं यूज कर रहा हूं अपना आईपैड, तो आईपैड में जो इस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो है iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम।
इसलिए जैसे आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, एंड्रॉयड भी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आपके चल रहा होगा, जो पूरे का पूरे कंप्यूटर आपका जो मोबाइल है, जो आपका स्मार्टफोन है, इसको कंट्रोल कर रहा है, वो क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज है, विंडोज ऑब्वियसली बात है विंडोज सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे चल रहा है, वो क्या है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज की बात करी जाए तो वो वहां से हमारे 12 से 15 क्वेश्चन, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज का जो वेटेज है वो हमारा ज्यादा है बाकियों के कंपेरिजन में। कंप्यूटर के, कंप्यूटर मेमोरी के देख लो, ये हमारे पास है 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज के देख लो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा सीधा 12 या 15 हमारे क्वेश्चन को होल्ड करता है। क्लियर है ये बात, आगे चला जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट है SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अब हमने पीछे देखा था DBMS, DBMS हमने पीछे देखा, SQL मतलब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अगर इस चीज की बात करी जाए स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की, तो जो भी आपका DBMS के पीछे कोई ना कोई कोडिंग तो होगी, बैकएंड कोडिंग होगी, तो जो भी हमारी DBMS के लिए कोडिंग होती है, देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, नॉर्मली हमारा डाटा क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा है, स्टोर हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो डेटा हैंडलिंग हो रही है, जो भी चीजें पीछे चल रही है, वो किसके थ्रू करी जाती है, SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू करी जाती है। ये सारे टॉपिक हैं जो आज तक हमारे JIT के पेपर में, जो कंप्यूटर सेक्शन है, बेसिकली कंप्यूटर सेक्शन है, वहां से हमारे उठते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो जावा से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जावा बेसिक्स हो गया, और साथ में आपके जो शॉर्टकट कीज हैं, शॉर्टकट कीज भी आपकी यहां से भी आपके क्वेश्चन कई बार बन जा रहे हैं। तो ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्यूटर का सेक्शन है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फॉर फर्दर क्वेरीज यू कैन विजिट अस IBS शिमला। और हमारा जो फ्रेश बैच है JIT का, वो स्टार्ट हो चुका है, इसके लिए आप पर्सनली हमारे जो IBS शिमला की ब्रांच है वहां के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।